हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स का, थर्ड चैप्टर सेकंड पार्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो कवर किया है, उसके अंदर वो बड़ा काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो सेकंड वीडियो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी कि ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, सो यहाँ आप अच्छी तरह से देखेंगे कि IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इसको हम वास्तव में हम इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम है वर्ल्ड बैंक। सो द वर्ल्ड बैंक इज़ IBRD, ठीक है, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहलाता है, IMF। सो यहाँ से 7 बिलियंस का लोन इंडिया को मिला, उस समय कब, क्राइसिस के वक्त, उनको जब मैनेज किया द क्राइसिस फॉर अवेलेबिंग द लोन, और जब वो 1980 का जो क्राइसिस था, 91 का, उस समय उनको क्राइसिस जो था उसको दूर करने के लिए IBRD और IMF से 7 बिलियंस का लोन मिला इंडिया को। फॉर दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप टू इकोनॉमिक बाय रिवॉल्विंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ये लोन क्यों दिया गया, ये लोन इसलिए दिया गया ताकि लिबरलाइज किया जाए इंडिया को, और कुछ शर्तें उन्होंने रखी। वो शर्तें क्या थी, एक तो फर्स्ट था कि ओपन मार्केट रखा जाए, कि रिवॉल्व रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाए, प्राइवेट सेक्टर्स के रिड्यूस किए जाए गवर्नमेंट सेक्टर्स के, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे जो व्यापार के अंदर जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थे इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के, उनको कम करने के लिए ये किया गया। इंडिया एग्रीड टू द कंस्ट्रक्शन अवेलेबिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। NEP इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से लर्न कर ले। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज कॉल्ड NEP। सो यहाँ पर आपको पता है इंडिया एग्रीड हो गई वर्ल्ड बैंक से और IMF से, जब लोन लिया उन्होंने तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई। द NEP कंसिस्ट टू वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, और यही एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की एजेंसी बन गई, एक तरह से एक पॉलिसी बनी। द ट्रस्ट ऑफ द पॉलिसीज वॉज टू वर्ड क्रिएटिंग ए मोर कंपेरेटिवली इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमिक एंड रिमूविंग द बेरियर ऑफ एंट्री द ग्रोथ ऑफ द फर्म्स। इस पॉलिसी के अनुसार जो इन्वायरमेंट बना अर्थव्यवस्था का, वो ये बना कि यहाँ से जो बेरियर्स थे, वो ग्रोथ के जो बेरियर्स थे वो हट गए और नई फर्म्स एंट्री करने लगी। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासीफाई इन टू 2 ग्रुप। इन सेट को हम दो, इन पॉलिसीज के आधार पे 2 ग्रुप में बांटा गया। क्या था पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। तो फर्स्ट 2 भागों में इसी पॉलिसी को बांटा गया, एक तो था स्टेबलाइजेशन और सेकंड था स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो स्टेबलाइजेशन मेजर था वो शॉर्ट टर्म के लिए मेजर था, इंस्टीड ऑफ करंट्स ऑफ वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये किसके लिए बनाया गया, ये जो बनाया गया कि इसके द्वारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन हो रहा था उसको कंट्रोल किया गया। अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं दिस मीन दैट देयर वॉज अ नीड टू मेंटेन सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसके द्वारा जो फॉरेन एक्सचेंज था उसका रिजर्व कब सफिशियंट किया गया, एंड कीप द राइजिंग प्राइजेज अंडर कंट्रोल, और जो प्राइजेज बढ़ रहे थे उनको कंट्रोल किया गया। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज थी उनको मेजर किया गया। सेकंड जो हमारा बताया गया, एक फर्स्ट था मैंने बताया स्टेबलाइजेशन, जिसके अंदर ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी, इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया, जो प्राइजेस थे उनको कंट्रोल किया गया। सेकेंड पॉलिसी जो हमारी रिफॉर्म पॉलिसी थी वो थी स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग टर्म के लिए मेजर थी, और इसका एम था इम्प्रूविंग द एफिशिएंट ऑफ इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कंपेरेटिवली बाय रिवॉल्विंग एंड रिजिक्स इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये क्या थी, इसके द्वारा जो लॉन्ग टर्म में जो रिजिक्स जो लगे हुए थे रिस्ट्रिक्शंस उनको कम किया गया। द गवर्नमेंट इंस्टेंट अ वेराइटी ऑफ
वैरायटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर थ्री हेड्स, और इसी से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी हमारी इंडिया के लिए वो तीन तरह की बनी। पहली थी लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटलाइजेशन एंड थर्ड थी ग्लोबलाइजेशन। इन पॉलिसीज के द्वारा तीन पार्ट में इसे बांटा गया। पहला था लिबरलाइजेशन। सो स्टूडेंट, यहाँ हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन होता क्या है। एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग रूल्स एंड लॉज विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो बिगनिंग हुई थी, जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के, उनको बिकम मेजर हैंड्रेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो रूल और जो रूल्स और रेगुलेशंस जो बने हुए थे, जो कानून बने हुए थे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए वो क्या थे, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक बैरियर का काम कर रहे थे। सो लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो इसके अंदर लिबरलाइजेशन क्या था, लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट टू एंड ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन, जो कानून और लॉज बनाए गए थे उन रिस्ट्रिक्शंस के लिए, उन पॉलिसी एक्टिविटीज़ के लिए, उनको हटाने के लिए लिबरलाइजेशन काम में आया। लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन, उन रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया एंड ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और बहुत सारे सेक्टर्स को खोला गया इकोनॉमी के अंदर, ताकि बहुत सारी फॉर्म्स इकोनॉमी की आ सके। थ्रो है व्यू फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर वर इंट्रोड्यूस इन 1980s। कुछ थोड़े से मेजर्स थे 1980s के अंदर, जो कि इंडस्ट्रियल लिस्टिंग थी, जिसके अंदर क्या क्या थे, कुछ चल रहे थे उस समय 1980s में, जो थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, कि लाइसेंस लेना पड़ता था हर इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग थी, ये सब चल रहे थे ऑलरेडी 1980s में। फिशल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म पॉलिसी ये 1991 में आई। लेट अस स्टडी सम इम्पोर्टेंट एरिया। अब कुछ एरियाज थे जिसके अंदर ये पॉलिसीज काम कर रही थी। सबसे पहला था हमारा फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कैसे हमारा उदारीकरण आया या कैसे निजीकरण आया। जो इसका लिबरलाइजेशन का हिंदी में मीनिंग है उदारीकरण, मतलब कि एक्स्ट्रा लेना। इंडिया रेगुलेट मैकेनिज्म वर एनफोर्स इन वेरियस वेज। इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारे तरीकों से इस पॉलिसी को अपनाया। सबसे पहले था इंडस्ट्रियल लाइसेंस, अंडर विच एवरी एंटरप्राइजेज हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। इस पॉलिसी के द्वारा अगर इंडस्ट्री अगर इकोनॉमी में आ रही है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट की, ऑफिशियल टू स्टार्ट अ फर्म। उस फर्म को स्टार्ट होने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। यदि बंद कर रही है तो अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस, कितना अमाउंट हुआ उससे, कितना प्रोड्यूस हुआ, उस गुड्स के बारे में जानकारी गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। सेकंड था प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको अलाउ नहीं किया गया था इंडस्ट्री में आने के लिए। सम गुड कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ गुड्स थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही प्रोड्यूस की जाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं की जाएगी। एंड लास्ट कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सेलेक्टेड इंडस्ट्री प्रोड्यूस, और सेलेक्ट आइटम्स थे जिनके बारे में कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट होगा, ये सारा प्राइस फिक्सेशन किया गया था। सो द रिफॉर्म पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस इन आफ्टर 1991 रिमूव मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन। 1991 में ये पॉलिसी बनाई गई और ये सारे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म किए गए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज अबोलिश फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोड्यूस कैटेगरीज, जैसे कई लाइसेंस ख़त्म किए गए, एल्कोहल, सिगरेट, हजरियस, केमिकल इंडस्ट्रीज, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके अंदर आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ये वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, सो इनको आप अच्छी तरह पढ़ें। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पब्लिक सेक्टर, कुछ इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं थी, आर ए पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, जो कि जो रक्षा उपकरण होते थे वो हमारी पब्लिक को नहीं दिए गए, ऑटोमिक एनर्जी जनरेशन, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये प्राइवेटलाइजेशन में नहीं आया।
मैनी गुड प्रोड्यूस बाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो नाउ बीन डिस्टर्ब्ड, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी. इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू बी डिटरमाइन द प्राइस, और यही हमारा काफ़ी कुछ प्राइस डिटरमाइन का एरिया बना. सो सेकेंड हमारा था वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो स्टूडेंट टिल देन कीप